हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ कीवर्ड्स और पोजीशन 3x3 के रूबिक क्यूब के बारे में बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको 3x3 का रूबिक क्यूब सॉल्व करना सीखना है तो उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर मेरे चैनल पे उन तीनों के वीडियोस पड़े हैं, तो आप उनको देख के सीख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को रूबिक क्यूब के कुछ कीवर्ड्स बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी हम लोग रूबिक क्यूब को पकड़ें, हमेशा अपने अंगूठों को इसके मिडिल वाली लेयर के साइड और साइड के दोनों एजेस पे रखेंगे और हम लोग अपोजिट पोजीशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर को इसके साइड्स में रखेंगे। तो ये तो हो गई हमारी पोजीशन। अब हम लोग कीवर्ड्स पे आते हैं। देखिए, हम लोगों ने रूबिक क्यूब को इस तरह से पकड़ा हुआ है। अगर हम लोग अपने राइट वाली लेयर जो कि हमारे राइट में है, हम लोग उसको देखें और उसको क्लॉकवाइज घुमाएं, तो वो होगा R यानी कि राइट। और अगर हम लोग उसको देखें और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो होगा R डैश। इसी तरह से जो हमारी लेफ्ट लेयर है, हमारे लेफ्ट साइड की, अगर हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो होगा L डैश और क्लॉकवाइज तो L। इस तरह से हम लोग की अप लेयर है, उसको हम लोग अगर क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो यू, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो यू डैश यानी कि अप डैश। वैसे हम लोग की डाउन लेयर है, अगर हम लोग उसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो डी, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो डी डैश। वैसे हम लोग की फ्रंट लेयर है, ये फ्रंट लेयर ऐसे हम लोगों ने पकड़ा है, अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये एफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो एफ डैश। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पूरा रूबिक क्यूब सीखना है कि कैसे सॉल्व होता है, तो इस वीडियो सीरीज की नेक्स्ट पार्ट्स को देखिए।